मौर्य, अरुण, आंचल यादव और अंजनी वर्मा। आंचल यहाँ नहीं लिखना है, ये जब वीडियो ओवर हो जाएगा तो इसके बाद नीचे कमेंट में लिखना होता है। ऐसे जब ये वीडियो अपलोड हो जाए, एनरोलमेंट नंबर। ये बताइए, वॉयस और ऑडियो क्वालिटी सही है? ये BSNL का नेटवर्क। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो सही है? ठीक है, अभी 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं और लोग भी आ जाएं। आकाश मौर्य, कमलेश पासवान, अभिषेक कुमार, सैम उपाध्याय, अच्छा देखिए एक चीज है, आप लोग एकदम पढ़ते रहिए। कल किसी ने न्यूज़पेपर की कटिंग किया था कि लॉकडाउन खुलने के बाद 1 महीने विद्यालय चलेगा, फिर एग्जाम होगा। लेकिन जहाँ तक अभी अंदरूनी खबर ये आ रही है कि ये लॉकडाउन अभी खुलेगा ही नहीं। 3 तारीख को ऐसे कुछ लग रहा है कि अनुमान कि 3 तारीख को अभी ये ओपन नहीं होगा। ओपन होगा भी तो आपका विद्यालय इतना जल्दी नहीं खुलेगा। वहाँ मास गैदरिंग होती है, वहाँ पे मास गैदरिंग होती है, तो 3 तारीख के बाद खुलने का तो चांस ही नहीं है। हाँ 10-15 से हो सकता है कुछ संभावनाएं बने भी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए एकदम तैयार रहिए और पढ़ डालिए। निर्मा प्रजापति, मौर्य, अरुण, सोनू कुमार, आर्या, मनीष कुमार गुप्त, अभी लॉकडाउन का डेट आगे जा सकता है। हाँ एकदम जा सकता है, लग रहा है ऐसे। जैसे जो थोड़े छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन जैसे लखनऊ है, यहाँ गोरखपुर है, यहाँ अभी भी बाहर निकलना मतलब एकदम रिस्क लेना है कि कब लाठी पड़ जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और पिछले कितने दिनों से, जब से लॉकडाउन लगा है, हम एक बार केवल चौराहे तक कुछ सामान लेने गए हैं। और यहाँ पे ज्यादा अभी है ऐसे डिसिप्लिन, मतलब सख्ती बहुत ज्यादा है, और दिल्ली मुंबई में भी इसी तरह से है। तो गांव कस्बों में थोड़ी सी आसानी है, लेकिन यहाँ अभी भी है और ये आगे कंटिन्यू होने का भी चांस है। इसलिए पढ़ते रहिए। 10:13 हो रहा है, 1-2 मिनट और देखते हैं, 10:15 पे स्टार्ट करते हैं। राम अवतार, सभी लोग, कुछ लोग फोटो ऐसा लगाए हैं, जैसे यहाँ पे हमको आपका वो फोटो आता है और नाम आता है, तो ऐसा फोटो लगाइए कि जिसमें आपका चेहरा बेसिकली दिखे। ये रजनीश का भी अच्छा है, मनीष का भी अच्छा है, राम अवतार का भी अच्छा है। कुछ लोग जैसे पूरा फुल बॉडी का इमेज डाले हैं, उसमें चेहरा क्लियर नहीं होता है कौन है। फोटो ऐसा लगाइए कि आपका फेस दिखे क्लियरली। लोकेश का भी अच्छा है।
गुलशन कुमार ने फोटो ही नहीं लगाया है क्या? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। गर्ल का तुम्हारा फोटो सही लगा है अंजलि, निर्मा का भी ठीक है, शिखा का पूरा इमेज है, और उसका क्या वो मिश्रा है, उसका भी ठीक ही है। अरे मैंने तुम लोग चार ही लोग हो तो कौन सा आइडेंटिफिकेशन का इतना है, लड़कों लोग ज्यादा हैं। चलिए आज हमें पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ स्टेप अप चोपर का प्रिंसिपल। ठीक है, इस बार सोचे हैं कि जो लॉकडाउन खुलेगा त्यों वेब कैम ले आएंगे। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग को एग्जाम से 5-10 दिन पहले हम एक संभावित क्वेश्चन देंगे, पेपर देंगे, और उसको आप लोग कर डालेंगे, और हमें उम्मीद है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 10-5 दिन पहले क्लास तो बंक कर देते हैं आप लोग, तो यही एक मीडियम रहेगा, गूगल क्लासरूम या ये ऑनलाइन मेथड, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। जो लोग नहीं भी इसको ज्वाइन किए होंगे कह दीजिएगा, ज्वाइन कर लेंगे। 48 या 46 लोग हैं। अच्छा इसमें ये बताओ कि कोई मोहम्मद कैफ करके तो नहीं है आप लोग के क्लास में? हमें लगता है वो फर्स्ट ईयर का है। चोपर इज ए स्टेटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज विथ इफिशियंटली। चोपर एक स्थैतिक डिवाइस है जो फिक्स्ड डीसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी में बदलती है। जैसे एसी में आपका जो काम ट्रांसफार्मर करता है, डीसी में वही काम चोपर करता है। लोकेश वर्मा, ठीक है। और ये बहुत एफिशिएंटली करता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। तो आज हमें देखना है स्टेप अप चोपर, स्टेप अप चोपर, बीच में हाइफन रहेगा। स्टेप अप चोपर, हाँ डीसी टू डीसी, बीच में और कोई स्टेप नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि डीसी से फिर एसी बनावें, फिर एसी को अप करें और ट्रांसफार्मर से फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करें, ऐसा नहीं होता, डीसी टू डीसी होता है। चोपर की नीड ये है, सोनू कुमार आर्य पूछ रहे हैं व्हाट इज नीड ऑफ चोपर। कल ही बताया था कि जैसे एक केस में तो हम ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को या स्टेप डाउन कन्वर्ट काम करता है, तो डीसी के लिए आप क्या करेंगे, चोपर यूज करेंगे। डीसी में वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए क्या करेंगे आप, चोपर सर्किट का यूज करेंगे। सैम उपाध्याय, व्हाट इज चोपर, अभी बोला वो, चोपर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज। चोपर इज ए स्टैटिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिवाइस व्हिच कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी वोल्टेज टू वेरिएबल डीसी वोल्टेज विद इफिशिएंटली। ठीक है, देखिए स्टेप अप चोपर, जैसे आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर पढ़ा है वैसे स्टेप अप चोपर होता है। इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। मान लीजिए कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, यहाँ आरएमएस डीसी का केस है तो आरएमएस एवरेज सब एक ही हुआ, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू V0 है, सॉरी VS है, इनपुट वोल्टेज सोर्स वोल्टेज VS है, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज
ये आपका वी जीरो है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज वी एस, आउटपुट वोल्टेज वी जीरो है। तब जैसे कि आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का केस देखते हैं, उसी तरह से अगर आउटपुट वोल्टेज किसी तरह वी जीरो इज ग्रेटर देन वी एस हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? स्टेप अप चॉपर। ये स्टेप अप चॉपर कहलाएगा, ठीक है। अगर वी जीरो वी एस से बड़ा हो किसी तरह तो ये स्टेप अप चॉपर कहलाएगा। अब इसका बेसिक सर्किट देख ले, इसका कैसे काम करता है ये देख लेते हैं कि कैसे वी जीरो वी एस से बड़ा होता है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, इस चॉपर से कल एक क्वेश्चन सॉल्व पेपर में आपके देखे पूछा था, चॉपर क्या है ये, इसका बेसिक सर्किट बनाइए और एक्सप्लेन कीजिए। तो यह इस चैप्टर में ऐसे पूरे आईसी में कहीं न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछा है, केवल प्रिंसिपल ही पूछा है, इसीलिए हम किसी में न्यूमेरिकल नहीं बताए हैं, ठीक है ना। और देखिएगा चॉपर पे कैसे क्वेश्चन आए हैं सॉल्व पेपर में। तो यहाँ पे इसका सर्किट ड्रा करते हैं, ठीक है। चॉपर में क्या यूज होता है? एक बहुत हाई स्पीड का स्विच यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। इलेक्ट्रॉनिक स्विच कौन कौन से हो सकते हैं? थायरिस्टर, मॉसफेट, आईजीबीटी, ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। इन्हीं सब का, फास्ट स्विचिंग डिवाइसेस का यूज करके हम चॉपर काम करता है। ये आपका डायोड है, ठीक है। ये आपका लोड है, ठीक। यहाँ पे ये डायोड है, ये आपका डॉटेड कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका इंडक्टर है, इसमें बहने वाली करंट सोर्स करंट आई एस है, ठीक है। और ये वी एस आपका इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे आपको लोड के क्रॉस वी जीरो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक चॉपर सर्किट है, ठीक है। अब लोकेश वर्मा पूछ रहे हैं कौन सा डायोड होता है सर जी। यहाँ पे ये वाला डायोड, सिंपल कोई भी डायोड लगा देंगे, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन तो नहीं दिया है कि डायोड का क्या है। अच्छा, जनरल और फ्री व्हीलिंग, ये जनरल देखिए, फ्री व्हीलिंग डायोड कोई अलग टाइप का डायोड नहीं होता है, उस जहाँ पे उसका फंक्शन ऐसे फ्री व्हीलिंग का होता है वहाँ पे उस, जैसे जब सर्किट को हम हटा देते हैं, सप्लाई हटा देते हैं, तब उसमें लोड इंडक्टेंस की वजह से जो करंट फ्लो होती है तब वहाँ पे वो कैसे काम करता है? फ्री व्हील, ठीक है। वो डायोड सिंपली डायोड होता है, लेकिन वहाँ उसका फंक्शन अलग होता है तो हम उसको फ्री व्हीलिंग कहते हैं। सचिन पाल, ठीक है लोकेश, यहाँ पे जनरल डायोड है, सिंपल डायोड है, इसको फ्री व्हीलिंग नाम नहीं देंगे, ठीक। अब बात आती है कि ये कैसे काम करता है। देखिए, ये स्विच है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स वोल्टेज को हम डिसकनेक्ट कभी नहीं करेंगे, सोर्स वोल्टेज को डिसकनेक्ट कभी नहीं करेंगे जब ये स्विच ऑन है, ठीक है। तो देखिए, ये शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है ये यहाँ से,
और इस इंडक्टर में खूब हैवी करंट फ्लो होगी, ठीक, इस इंडक्टर में खूब हैवी करंट फ्लो होगी जब ये ऑन है, तो वो एनर्जी यहाँ पे स्टोर रहेगी इस इंडक्टर में, और जब ये स्विच को ऑफ करेंगे तो वही एनर्जी क्या होगा, इस लोड को मिल जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट करने पे भी इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा, लेकिन उस समय इस इंडक्टर में ये I0 जो यहाँ पे फ्लो हो रहा है लोड करंट, उससे I0 मान लीजिए लोड करंट है, और इस करंट से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो होगी, वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड में। निर्मा प्रजापति, इंडक्टर के लिए करते हैं, लेकिन जब इंडक्टर लोड में होगा और सर्किट को, जैसे इनपुट सोर्स को आप जब हटा देंगे और लोड में बचे हुए एनर्जी की वजह से जब उसमें फ्री व्हील होता है, तब उसको फ्री व्हीलिंग डायोड कहते हैं। इंडक्टर कहीं भी लगा हो उसको फ्री व्हीलिंग डायोड थोड़ा ना बोलेंगे। यहाँ पे अगर होता इंडक्टर और इस सर्किट को आप हटाते हैं तब उसमें धारा बहता, तब उसको फ्री व्हीलिंग डायोड कहते, ठीक है निर्मा, ठीक। अब बात आती है कि जब चोपर, दो केस होंगे, एक जब चोपर, ये चोपर CH लिख दीजिए, जब चोपर ऑन है तब सर्किट उसका ये होगा, बना लेते हैं जल्दी जल्दी, ये शॉर्ट है, और ये डायोड है आपका, ये लोड है, ठीक है, डी एल वी एस, और ये चोपर, इसमें धारा कैसे, ये इधर प्लस इधर माइनस पोलरिटी, धारा ऐसे फ्लो हो रही है आई एस, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि जिस समय आप स्विच को ऑफ किए, बफरिंग तो नहीं हो रहा है, ये आपका सोर्स वोल्टेज हुआ, यहाँ इंडक्टर हुआ, ये चोपर को दूसरे कंडीशन में ये ऑफ हुआ, ये VS है, ये चोपर है, और उस समय ये डायोड और ये वाला आपका लोड, यहाँ पे आपका आउटपुट वोल्टेज V0, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज V0, और ये आपका इंडक्टर, और इधर आपका IS, और जिस समय ये ऑफ होगा तो ये प्लस वोल्टेज पे आएगा, ये निगेटिव, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। पहले वाले फिगर में क्या है कि इसमें धारा का विरोध कर रहा है, धारा का विरोध कैसे करेगा, ये पॉजिटिव पोलरिटी, इधर पॉजिटिव पोलरिटी आ जाएगा तब ना विरोध करेगा। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब ये सर्किट को आपने ओपन कर दिया तब इधर पॉजिटिव पोलरिटी आ जाएगा, मतलब इसके धारा के घटने का विरोध कर रहा है तब, ठीक है, ये अंतर है, इस बात को सभी लोग समझते होंगे। और अब इसका को बना लीजिए झट से, बन जाए तो बताइए, बन जाए तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और एक दो लोग कमेंट कीजिए।
तनोज मनीष हो गया, ठीक है, ज्यादातर लोगों का हो गया होगा। देखिए जब ये चोपर यहाँ पे ऑन है, चोपर से मतलब ये स्विच ऑन है, तब इसमें धारा ऊपर ये दिखाया गया आईएस फ्लो हो रही है, ठीक है। ये टी ऑन मान लीजिए पीरियड है, टी ऑन का टाइम है, ये टी ऑफ का टाइम है, ठीक। और उस समय दूसरे केस में जब ये चोपर आपका ऑफ है तब वोल्टेज क्या होगा, एक तो ये वीएस वोल्टेज होगा और दूसरा वोल्टेज इसके सिरों पे होगा इंडक्टर के, क्या वोल्टेज होगा, एल डी आई अपान डी टी, ठीक है। तो कहेंगे ड्यूरिंग टी ऑफ पीरियड, ड्यूरिंग टी ऑफ पीरियड, पीरियड वोल्टेज अक्रॉस द लोड ये क्या होगा, Vs तो होगा ही, प्लस इंडक्टर के सिरों पे वोल्टेज एल डी आई अपान डी टी, ये होगा, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, जब चोपर ऑन है सोर्स वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस लगाया जाता है, मतलब व्हेन चोपर इज ऑन, उस केस में VL इज इक्वल टू क्या होगा, VS होगा, ठीक है। जब चोपर ऑफ है तब KVL लगा दीजिए, जब चोपर ऑफ है तो KVL लगा दीजिए, ठीक है। इसको अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन चोपर इज ऑफ अप्लाइंग KVL इन द लूप, ठीक। तो ये इस फिगर को देखिए, इस वाले फिगर को, यहां पे इधर से चलिए VS, ठीक है, VS, और यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस VL, ठीक है। और ये लोड में इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव तो माइनस वी जीरो इक्वल टू जीरो। यहां से फिर से देखिए ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो वी एस, यहाँ पे फिर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं प्लस वी एल, इसके सिरों पे वोल्टेज वी एल है, और फिर ये पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं माइनस वी जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि वी एल, सॉरी वी एस प्लस वी एल माइनस वी जीरो इक्वल टू जीरो, और यहाँ से हमारा निकला VL इज इक्वल टू V0 माइनस VS, ठीक। अब T ऑन टाइम में इंडक्टर को जो एनर्जी दी गई वो, ठीक है, इनपुट एनर्जी टू द इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑन पीरियड, डब्ल्यू इन इक्वल टू इनपुट एनर्जी, ये इक्वल टू क्या होगा आपका, वोल्टेज, और दो करंट है यहां पे, कौन कौन सा, एक ऑन टाइम में करंट और एक ऑफ टाइम में करंट, ठीक है ना। जैसे जिस समय ऑन है उस समय हैवी करंट फ्लो होगी, जिस समय ऑफ है उस समय मान लीजिए I2 करंट उसमें फ्लो हो रहा है,
तो आई टू इसका एवरेज कर लीजिए, टू इंटू क्या टी ऑन, एनर्जी क्या होता है वी आई टी, ठीक है, ये एनर्जी होगा। और ड्यूरिंग टी ऑफ जो एनर्जी इंडक्टर से रिलीज की जाती है उसकी वैल्यू क्या होगी, एनर्जी रिलीज्ड बाय द इंडक्टर ड्यूरिंग टी ऑफ टाइम ठीक है, टी ऑफ टाइम ये क्या होगा डब्ल्यू ऑफ ये इक्वल टू, देखिए इंडक्टर के सिरों पे वोल्टेज आपने ऊपर निकाला है क्या है V0 माइनस Vs ये निकाला है, और करंट का एवरेज यहां भी कर लीजिए, यहां भी करंट दो I1 प्लस I2 अपॉन 2 ठीक है, और टाइम क्या है T ऑफ, T ऑफ ठीक है, ये नोट हो गया। ये हो गया हो तो बोलिए, ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए कि assuming हम क्या मानेंगे कि सिस्टम लॉसलेस है, क्या अभी थोड़ी देर में पढ़ा लेंगे, जाओ खेलो उसमें। assuming सिस्टम इज लॉसलेस दीज, तब क्या होगा ये दोनों एनर्जी W जो इन हो रहा था W ऑफ ठीक है, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो इसको पीछे वाले से देखिए क्या लिखा है, W इन इज इक्वल टू वी एस पी एस आई वन प्लस आई टू अपॉन टू इंटू टी ऑन, ये इज इक्वल टू क्या है V0 माइनस Vs और I1 प्लस I2 बटा 2 इंटू T ऑफ ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये वाला टर्म कैंसिल और ये आपका आ गया Vs T on इक्वल टू V0 माइनस Vs और टी ऑफ ठीक। अब इसको ऐसे कर लीजिए, वी जीरो वाले टर्म को एक साथ कर लीजिए, तो वी जीरो टी ऑफ वी नॉट टी ऑफ इक्वल टू क्या होगा, वी एस कॉमन ले लीजिए और ये टी ऑन प्लस टी ऑफ ये हो जाएगा ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं V0 is equal to Vs into ये T on plus T off पूरा क्या कहलाता है T duty cycle और बटा T off ठीक है, इतना कहलाएगा ठीक। इसको क्या टी ऑफ को हम क्या कह सकते हैं, टी ऑफ इज इक्वल टू वी एस टी अपान टी माइनस टी ऑन, ये लिखा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि T इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका चूंकि T इज इक्वल टू T ऑन प्लस T ऑफ
ठीक है। कमेंट कीजिए। ठीक, अब इस वाले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैपिटल टी से भाग दे दीजिए, तो वी जीरो इजकल टू बी एस, ऊपर आपका वन हो जाएगा, नीचे इसमें भाग देंगे तो वन माइनस टी आन अपॉन कैपिटल टी। ठीक, और यहां से वी जीरो इजकल टू आपका आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस, ये अल्फा होता है, ठीक है, टी आन अपॉन कैपिटल टी क्या होता है, अल्फा। अल्फा इक्वल टू टी आन अपॉन कैपिटल टी। ठीक, तो अब देखिए वी जीरो इक्वल टू क्या है आपका, वी जीरो इक्वल टू वी एस इंटू वन अपॉन वन माइनस अल्फा, ये आपका आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आया। देखिए अल्फा का मान चाहे अल्फा का मान क्या हो सकता है, हमेशा जीरो से बड़ा हो सकता है, इसी के बीच में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो से बड़ा एक से छोटा होता होगा, तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, एक से छोटा ही होगा। तो डिनोमिनेटर एक से छोटा होगा तो ये ओवरऑल ये वाला टर्म क्या होगा, एक से बड़ा होगा, और हम देखेंगे हमेशा वी जीरो वी एस से बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका स्टेप अप चोपर का काम करने का तरीका था, स्टेप अप चोपर के काम करने का तरीका था। कमलेश पासवान लिख रहे हैं बफरिंग, क्या सभी को बफरिंग हो रहा है, करंट आई जीरो, क्या सभी को बफरिंग हो रहा है, ठीक है। कमलेश आपके यहाँ स्पीड की परेशानी होगी, तो ये आउटपुट वोल्टेज का आपका फार्मूला है। और इसी तरह ये तो एक हुआ स्टेप अप चोपर और एक स्टेप डाउन, कल आपने देखा इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल दिए होंगे आपके बुक में, नहीं तो अभी हम जो पीडीएफ देंगे उसमें एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे, उसको आप लगा डालिएगा, ठीक है। और एक चोपर ऐसा होता है कि जो स्टेप अप का भी काम करता है और स्टेप डाउन का भी काम करता है। स्टेप अप चोपर का यूज ये है, जैसे ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की जरूरत पड़े। तो इसी तरह से डीसी के केस में जहाँ पे हमारे वोल्टेज कम वोल्टेज का है लेकिन हमारे यूज कर, हम देखेंगे कि क्या आसपास के घरों में कहीं यूज हो रहा है स्टेप अप चोपर, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा चोपर होता है जिसमें स्टेप अप या स्टेप डाउन वो सर्किट एक ही होती है, और उसका अल्फा को हम चेंज करके उसी को चाहे तो स्टेप अप की तरह काम कर लें चाहे तो स्टेप डाउन की तरह काम कर लें, तो इसको कहते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन चोपर, ठीक है, स्टेप अप स्टेप डाउन चोपर। और देखिए कि इस आपके बुक में या पीएस बिमरा में दिया होगा बक चोपर और बूस्ट चोपर, और बक बूस्ट चोपर, ठीक है, बक बूस्ट चोपर तीन तरह का है, वही जो स्टेप डाउन है, ठीक है, बक, और जो स्टेप अप है बूस्ट, और दोनों कंबाइंड अगर जब बनाएंगे तो बक बूस्ट चोपर कहलाएगा, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे
स्टेप अप स्टेप डाउन शॉपर, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, अच्छा खासा वेबसाइट वगैरह भी है, तो कल हम वो देखेंगे उसका वेबसाइट वगैरह देखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, अभी हम अपलोड कर देते हैं, इसको आप लोग लगा लेंगे। आप लोग का भी डाटा खर्च होता होगा ना, कितना डाटा खर्च होता है एक दिन में? बताइए एक दिन में कितना डाटा जाता होगा, मतलब एक क्लास में हमारे वाले में। अंकिता हाँ चेक कर दिए हैं आपको, अच्छा नहीं सैम उपाध्याय आपका भी देखते हैं, हाँ आया है, बस 200 MB बहुत कम है। तो रिजोल्यूशन यार घटा के देखते होगे, कितने पे, 720 पे देखते हो 480 पे? रिजोल्यूशन क्या आप लोग सेट करते हैं? रुक जाओ, इसको कान में लगा के क्यों नहीं बजाते हैं? किसको? उसको 360 पे लगा के देखते हैं तो। हाँ रिजोल्यूशन सही करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा रिजोल्यूशन 1080 होता है, तो आप अगर ठीक ठाक सेट किए हैं तभी ना क्लियर आएगा, दोनों जगह सही रहेगा तब उसकी क्लियरिटी ज़्यादा होगी। जब आप हाई करते हैं तो हम लोगों का कम रिजोल्यूशन पर भी चल जाता है। हाँ सही है, सही कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लगभग 1.5 GB से 2 GB तक कंज्यूम होता है, 1.5 GB के आसपास तो हो ही जाता है, तो सही है। मान लीजिए एक जगह खर्च करना ठीक है, आप लोग 20-30 लोग हैं तो आप लोग का बच जाएगा, एक ही जगह खर्च होगा ऐसे, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा, अभी आधे घंटे 10 मिनट में हम ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहे हैं। इसमें न्यूमेरिकल हैं छोटे छोटे, इसको आप सब कुछ अपने नोटबुक में नोट करते चलिए, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा जब एग्जाम आएगा तो। और कल परसों दो दिन में हम ये चोपर फिनिश कर चुके होंगे, और उसके बाद इन्वर्टर पे चलेंगे, फिर साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर साइक्लो कन्वर्टर, और फिर थोड़ा बहुत चीज़ें बचेंगी, ठीक। जो असाइनमेंट दिया जाता है उसको कीजिए, नहीं तो वो सारे असाइनमेंट के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं और जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आने की, इस वजह से आप उसको कीजिए, ठीक है। गुड बाय। हाँ लेकिन अभी टाइम लगेगा, रुक जाओ। देखना पड़ेगा कितना बड़ा। ये चाबी नहीं ले जाओ, आपके आपके घर पर ताले में लगता है। हाँ अच्छा लिए। कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा। जाओ खेलो उधर थोड़ी देर। अरे वो छोटा लड़का है, फोन मांगते रहते हैं ना सब गेम खेलने के लिए, तो 2 घंटे एकदम परेशान किए रहता है, कब पढ़ा लेंगे कब पढ़ा लेंगे, वही फोन मांग रहा है। ठीक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया चाचा, हो गया चाचा। कह रहे हैं थोड़ी देर समय लगेगा, जाओ